नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैंटीन कार्ड के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा कैंटीन कार्ड होता है CSD कैंटीन कार्ड, उसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से हमको ये फॉर्म फिल करना है। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कि ये कैंटीन का जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन यहाँ पे दिख रहा होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैंटीन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से ये फॉर्म आपको मिलेगा, कैसे ये फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर ये जो फॉर्म है, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको इसमें फिल करना है। तो दोस्तों, यहाँ आप नीचे देखेंगे फॉर्म में, तो यहाँ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन यूज़ ब्लैक पेन ओनली। तो यहाँ पे जो आपको ये फॉर्म भरना रहेगा, ये फॉर्म जो है आपको ब्लैक पेन से ही भरना है, इस पर आपको ब्लू पेन यूज़ नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन में आप पहले नीचे देख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ऑल फोटोग्राफ्स ओनली अटेस्टेड, यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो फोटोग्राफ रहेगी आपकी, आपको अटेस्टेड करानी है गजिस्टर्ड ऑफिसर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है थर्ड नंबर पे, आप देख सकते हैं वन पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपके इसमें ना दो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेंगे। अगर आप जॉइंट बनाना चाहते हैं तो हस्बैंड वाइफ का लगेगा, अगर आप सिंगल बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपका लगेगा। तो आप देख सकते हैं चौथे नंबर पर लिखा हुआ है PPO ऑर्डर ड्यूटी असिस्टेंट। तो ये तो PPO जो हमारा होता है वो भी आपको किस में कॉपी लगेगी PPO की। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंट एग्जिस्ट डेफिनेशंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसके नाम से ये बन रहा है उसके लिए आपको यहाँ पे जो कार्ड का 130 रुपये चार्ज कटेगा, और 5 रुपये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है फॉर्म का चार्ज रहेगा। तो ये जो आप देख रहे URC लिखा हुआ है, तो यूनिट रन कैंटीन से ये जो है फॉर्म आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से चिपसेट कार्ड के लिए जो है आपसे 135 रुपये लिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर देख लें। तो आप देख सकते हैं PPO की फ़ोटोकॉपी लगेगी आपको, आपका पैन कार्ड लगेगा इसमें, आपका आधार कार्ड लगेगा। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे पहले अपने पास रख लेना है, और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको गजिस्टर्ड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के रखने हैं। अगर आपके पास मान लीजिए वोटर ID नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड आपको ज़रूरी यहाँ पे लगाना ही है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे इस तरीके से ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको दोस्तों आपका जो रन कैंटीन होता है, जहाँ कैंटीन होती है, आपको ये फॉर्म वहाँ से मिल जाएगा। जिस भी कैंटीन, मान लीजिए आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पर जो कैंटीन है, मान लीजिए आप डिफेंस सेक्टर से हैं या फिर आप सिविल यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में, आप पहले तो ये जो कार्ड है ये डिफेंस वालों के लिए ही था कि डिफेंस वालों को मिलता था, अब तो ये सिविल वालों के लिए भी हो गया है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में थे उनको भी मिल जाता है ये कार्ड बनवाने के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो आपकी जो कैंटीन होती हैं वहाँ पर ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। उसका चार्ज वो आपसे 5 रुपये फॉर्म का चार्ज लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फॉर्म है आपको कैंटीन से मिल जाएगा, ये 5 रुपये का ये फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को दोस्तों आपको फिल कर देना है, इसका आपको 130 रुपये चार्ज देना होगा, तो आपको वहाँ से स्लिप भी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है आपका जो नया फ़ोटो है, न्यू फ़ोटो। अगर आप सिंगल बनवा रहे हैं तो आप फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे फ़ोटो लगा दीजिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में अपना फ़ोटो लगा दीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आप फ़ोटो लगा रहे हैं तो उस पर आप अपना साइन, आपको क्रॉस साइन करने हैं, और यहाँ पर आपको फ़ोटो जो है स्टेपल नहीं करना है, ये फ़ोटो आपको चिपकाना है। उसके बाद यहाँ बाजू वाले कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर अपना जो है साइन करना है। इस तरीके से आप अपना यहाँ पे साइन कर दीजिए, और ये बाजू में SE जो नंबर लिखा हुआ है ये आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे URC नंबर, तो यूनिट रन कैंटीन का नंबर जो है, जो जिस जगह से आप फॉर्म ले रहे हैं वहाँ से आप नंबर पता कर सकते हैं, उस कैंटीन का नाम लिख सकते हैं, जिस भी जगह पर आप जिस कैंटीन बनवा रहे हैं तो आप यहाँ पर उसका नाम डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बोल रहे हैं सर्विसेज, आप आर्मी में हैं, ये एक्स सर्विस मैन हैं, ऑफिसर हैं नेवी, इस तरीके से आप जो है JCO हैं तो आप JCO के लिए कर सकते हैं, या फिर आप अदर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सिविल डिफेंस जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले, वो यहाँ पे अदर में टिक करके इसको बनवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लिक्विडेंस कार्ड के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी इसकी डिटेल भर सकते हैं,
तो आपको ये अगर लिक्विडेंस कार्ड बनाना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए, आप यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट पे टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है नेम इन फुल, तो आपको यहाँ पे अपना नाम जो है, जो आपका पैन कार्ड में या फिर आपके जो PPO नंबर में नाम है, वो आपको यहाँ पे इस तरीके से फिल लिख देना है। और आपकी जो भी रैंक हो, आपको रैंक यहाँ पे लिख देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बोल रहा है, और डेट ऑफ जॉइनिंग, जब आपने जॉइनिंग यहाँ पे की थी तो आपको ये PPO नंबर में मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं पैन कार्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, और डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको भी, ये भी PPO में मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है PPO अकाउंट PPO नंबर बोल रहा है, तो आप PPO नंबर भी यहाँ पे आप अपना एंटर कर दीजिए। आपको PPO नंबर, आपका PPO जब रिटायरमेंट होता है तब मिलता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क बोल रहा है दोस्तों, तो आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पर टिक कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस में आप अनमैरिड हैं तो मैरिड, और मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड पे लगा दीजिए। उसके बाद सपोज नेम, अगर आप इसमें जो नाम एंटर करा रहे हैं तो वो एंटर कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर बोल रहा है, तो मोबाइल नंबर दोस्तों आप वही डालिए जो आपके पास एक्टिव हो, क्योंकि जब आपका कार्ड बन जाता है तो आपको जो है आपका एप्लीकेशन नंबर उसी पे ही आता है, आपके मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आपका यहाँ पे फादर का नाम बोल रहा है, जो एप्लीकेंट है उनके फादर का नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, नीचे लिख के आ रहा है रिसीव सम रुपीस, तो ये जो है ये कैंटीन वाले ही भरेंगे कि जो 130 रुपये ने आपसे लिया है, ये रिसिप्ट वो आपको देंगे। ये जो आप रिसिप्ट, मैंने आपको बताया कि 130 रुपये की, वो रिसिप्ट आपको दे देंगे कि आपने पैसे जमा कर दिया है। फॉर्म जब आप जमा करेंगे, ये फॉर्म भी आपको वहीं जमा करना है दोस्तों, कैंटीन में जहाँ आपकी कैंटीन है, ये फॉर्म आपको वहाँ पे जमा कर देना है ऑफिस में जाके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नीचे आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आपका एड्रेस भर देना है आधार कार्ड से देख के। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, अगर आपके बेटे हैं या फिर आपकी बच्ची है तो आप यहाँ पे उनका भी यहाँ पे लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं, उनको यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे नेम प्लीज द ब्लॉक ऑफ स्पेस, तो आपको यहाँ पे अगर सेकंड नेम डालना है तो आप यहाँ पे सेकंड नेम भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशन आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर कर देनी है। दोस्तों आपको ये नीचे कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल वगैरह आपको कुछ नहीं भरनी है। तो दोस्तों एक फ़ोटो और आपको यहाँ पे लगाना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बोल रहा है। तो अगर आप सिंगल बनवा रहे हैं पर्सनल, तो आप यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं फर्स्ट वाले में, अगर आप हस्बैंड वाइफ बनवा रहे हैं तो सेकंड वाले पे आपको लगाना है, और यहाँ पे साइन कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये जो है फॉर्म फिल करना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो रिसिप्ट रहेगा, ये आपको कैंटीन से मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप करके ये जो है कैंटीन पे देंगे, तो ये आपको वहाँ से रिसिप्ट ये वाला जो है वो आपको दे देंगे। तो इसमें डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, इसमें आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका PPO। और ये जो डॉक्यूमेंट रहेंगे दोस्तों अटेस्टेड रहेंगे, और जो आपका फ़ोटो रहेगा वो भी अटेस्टेड रहेगा गस्टेड ऑफिसर से। तो ये जो हमारे फैक्ट्री वगैरह में भी होते हैं और हमारे आर्मी वगैरह में जो गस्टेड ऑफिसर होते हैं, आप उनसे भी इसको करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये फॉर्म आपको फिल करके आपके जो कैंटीन है वहाँ पे जमा कर देना है। तो आपका ये 30 दिन में या फिर 90 दिन के अंदर ये जो है आपका कार्ड बन के आ जाता है दोस्तों। मोबाइल नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर एंटर आप वही कीजिए जो आपके पास एक्टिव हो, जब आपका कार्ड बनेगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप कैंटीन कार्ड के फॉर्म के लिए जो है कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।